आज हम ऐसे तीन टिप्स को लेके बात करेंगे जो आप अगर अपने पार्टनर को बोल देते हो ना, आप अगर अपने पार्टनर को बोल देते हो ना तो आपका ना कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा, कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा। 90% ना आपका कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा, 10% आपका ब्रेकअप हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि आप शायद ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो। अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है ना, आपका पार्टनर के साथ अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है ना, तो इसमें से क्या होता है पता है, वो इंसान ना आपके लिए परफेक्ट नहीं था जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है। इन 90% यूज़ करने के बाद भी, इन तीन टिप्स को अगर यूज़ कर लोगे ना, यूज़ करने के बाद भी अगर आपके साथ ब्रेकअप हो जाता है ना, तो वो इंसान आपका लाइफ ना ख़राब कर देता, वो इंसान आपका लाइफ बर्बाद कर देता। इसीलिए वो इंसान आपके लाइफ से चला गया ना, आपके लिए ना बहुत अच्छा होगा। आज आप रो रहे हो उस पार्टनर के लिए, ठीक है ना, लेकिन कल ना खुशी मनाओगे आप। इसलिए खुशी मनाओगे, यही सोचोगे कि वो पार्टनर मेरे लाइफ से चला गया ना, अच्छा हुआ। तो हम लोग ना तीन ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ना फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर फॉलो करते हो ना, तो आपके आपका पार्टनर के साथ ना आपका कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा, कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा। तो हम लोग ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में क्या होता है ना, पॉइंट नंबर 1 में पार्टनर के साथ कभी भी ना आपको शादी को लेकर बात नहीं करना है। आपका पार्टनर के साथ आपको कभी भी शादी के लिए ना बात नहीं करना है। अगर आप बात करोगे ना, तो वो इंसान ना सोचने लगेगा, ये इंसान तो मेरे लिए वेट करेगा, हमेशा वेट करेगा। क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो ना शादी के लिए, तो आप खुद ही बोल रहे हो ना अपने पार्टनर को। इसीलिए आपका पार्टनर के अंदर में ना डर ख़त्म हो जाता है, आपको लेके जो वो डर था ना वो ख़त्म हो जाता है। वो ना फिर क्या काम करेगा, आपको ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं देगा। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं देगा क्योंकि आप तो उनके लिए वेट कर रहे हो ना, आप उनके लिए वेट कर रहे हो। तो जो वेट करता है उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना। आपको ना सिर्फ ये करना पड़ेगा, सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आप अपने पार्टनर से ना कभी भी शादी के लिए मत बोलना। सिर्फ ध्यान रखोगे आप अपने पार्टनर के लिए कि मेरा पार्टनर ना मुझे खुद से प्रपोज़ल दे शादी के लिए। तो आप अपने पार्टनर को इतना प्यार दो ना वो आपको ना खुद से प्रपोज़ल दे। लेकिन आपको ना इस तरह से कुछ काम करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को ना आपको बहुत सारा प्यार दिखाना पड़ेगा, आपको ना सरप्राइज़ करना पड़ेगा, आपको ना अच्छा बॉन्ड लाना पड़ेगा रिलेशनशिप में, ठीक है ना। अगर अच्छा बॉन्ड लेके आओगे ना रिलेशनशिप में, तो आपका पार्टनर आपको खुद ही बोलेगा कि मेरे साथ शादी कर लो यार, ठीक है ना। क्योंकि आप तो बोल नहीं रहे हो ना, आप अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हो शादी के लिए, लेकिन आपका पार्टनर खुद ही आपको बोलेगा ना, आपका पार्टनर आपको खुद ही बोलेगा कि मेरे से शादी कर लो। लेकिन आप बोल देना चलो ठीक है, वक्त आने तो फिर शादी कर लेंगे, लेकिन आपको ना पहले से खुद नहीं बोलना है। अगर आप पहले से बोल दोगे ना, तो वो इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा। फिर वो ना आपको ना ईगो दिखाएगा, भाव दिखाएगा, ब्रेकअप होने का संभावना होता है। तो आप ना ऐसा गलती कभी भी मत करना। अगर आप कर दिए हो ना, तो इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। अगर आप बोल दिए हो फाइनली कि हाँ मुझे तुमसे शादी करना है, ठीक है ना, अगर बोल दिए हो ना, तो आप ना अपने कदम को रोक लो। आप अपने कदम को रोक लोगे ना, तो क्या होता है कि आपका पार्टनर ना सोचने लगेगा कि पहले शादी बोलता था, अब क्या हुआ। तो आपको ना अपना कदम रोक लेना पड़ेगा, सिर्फ आपके पार्टनर को ही प्रपोज़ल देना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपको अपना अपने पार्टनर को प्यार देना पड़ेगा। सेकंड टिप्स पे हम लोग चलते हैं। सेकंड टिप्स पे क्या होता है ना, ये अपने पार्टनर को ना ये बातें आपको ना बोलना पड़ेगा, अपने पार्टनर को कुछ बातें बोलना पड़ेगा। किस तरह से आप बोलोगे अपने पार्टनर को ना, ये बोलना आप कि निभाओगे तो निभाऊंगा। अपने पार्टनर से आपको बोलना पड़ेगा निभाओगे तो निभाऊंगा, छोड़ दोगे तो शिकायत भी नहीं करूंगा। ये थोड़ा शायरी टाइप का है, लेकिन आपका पार्टनर के दिल में ना बहुत चुभेगा। आपका पार्टनर सोचने लगेगा कि अगर इनके छोड़ भी देती हूँ ना, तो वो भी मुझे छोड़ देगा। अगर कभी भी छोड़ दूंगी तो कभी शिकायत भी नहीं करेगा, प्यार करूँगी तो प्यार करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो आपको ना ये दो लाइंस को ना यूज़ करना पड़ेगा। कब यूज़ करोगे? जब आपका पार्टनर कभी भी खुश रहता है ना, हैप्पी रहता है, कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है, तभी, ठीक है ना, तभी आपको अपने पार्टनर के साथ ना इस तरह से बात को बोलना पड़ेगा। फिर आपका पार्टनर सोचने लगेगा कि मेरा पार्टनर बहुत ही अलग टाइप का है। इसलिए अलग टाइप का है क्योंकि अगर मैं प्यार दूंगी तभी वो प्यार करेगा, अदरवाइज़ प्यार नहीं करेगा। वो ना बहुत ही ज़्यादा सोचने लगेगा आपको इस बातों को। तो हम लोग ना सबसे लास्ट एंड फाइनल टिप्स पे चलते हैं। फाइनल टिप्स में क्या होता है ना, आप इस पार्टनर को ना
अपने पार्टनर को सपने दिखाओ, अच्छा लाइफ दिखाओ। सपने कैसे दिखाओगे आप? अगर आप अच्छा लाइफ दिखाओगे अपने पार्टनर को ना, अगर आप अपने पार्टनर को अच्छा लाइफ दिखाते हो ना, तो आपका पार्टनर ना आपसे ना कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगा। क्योंकि अगर इन केस अगर कभी भी उनका प्रपोज़ल भी आया ना शादी के लिए, तो उस इंसान को वो जानता नहीं है। जिस इंसान का प्रपोज़ल आया ना, उस इंसान को जानता नहीं है कैसा फ्यूचर होगा नहीं होगा। आपको ना सब कुछ जान लेता है, आपके बारे में सब कुछ जान लेता है, आप कितना पैसा कमाते हो, कैसा हो, किस तरह से नेचर के हो, हर कुछ ना उसको पता है। तो आपके रिलेशन में ना ज़्यादा चांसेस क्या होता है कि वो ना आपके तरफ मूव करे, आपका पार्टनर आपके तरफ मूव करे। इसलिए मूव करेगा क्योंकि आप तो उनको सपने दिखा रहे हैं, अच्छे लाइफ का सपने दिखाओगे, अच्छे फ्यूचर का सपने दिखाओगे, अच्छा स्कोप दिखाओगे उनको, तो ऑटोमेटिक ना कोई भी आपके पास आ जाएगा ना, कभी भी ब्रेकअप होने का संभावना नहीं रहता है। क्योंकि कोई किसी को भी आप अगर अच्छा स्कोप दिखाते हो ना, खाली स्कोप दिखाने से नहीं होता, प्लस फिर आपको उस स्कोप के बारे में काम भी करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे, सिर्फ आप स्कोप ही दिखाओगे ना, तो नहीं होता है। आपको ना स्कोप भी दिखाना पड़ेगा, फिर अपना लाइफ में काम भी करना पड़ेगा, ग्रो भी कराना पड़ेगा अपने लाइफ इसमें, ठीक है ना। अगर आप ग्रो करोगे ना अपने बिजनेस में या फिर जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, तो आपका पार्टनर तो देखेगा ना कि बंदा मेरे लिए आज 5,000 कमा रहा है, कल 30,000 रुपये कमा रहा है। तो आपका पार्टनर ना सोचने लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत ही कुछ कर रहा है, ठीक है ना, अच्छा लाइफ दिखा रहा है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो फिर इस बंदे को मैं ना कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। कभी भी आपको ना छोड़ के नहीं जा सकता, और कभी भी ना आपका ब्रेकअप नहीं होगा। अगर इन 3 टिप्स को आप यूज़ कर लोगे ना, तो आपका पार्टनर के साथ ना आपका कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा, जो भी थोड़ा बहुत चांसेस था ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ ना शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना।